यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। जिस समय यर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा कि यहोवा जो पूरी करने वाला है, यहोवा जो उसके स्थिर होने की तैयारी करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभिता से लड़ सके, यो कहता है, कस्तियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथे उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुंह फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके वासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, और मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बनाऊंगा, और मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं शुद्ध करूंगा, और उन्होंने जितने अधर्म और पाप और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि करने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई जो कि तो कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांव समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इन्हीं में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उस दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यो कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और लेवीय याचकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले, अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यो कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने
तास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याचकों के संग बंधी रहेंगी जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिणाम नहीं हो सकता है उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और उसके सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यो कहता है कि यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह गए तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और इब्राहिम इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुवाई से लौटा लाऊंगा।